अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मुझे सब खैरियत से होंगे भाई। एक बड़ी वियर्ड सी चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ, और वो ये कि मैं उम्र के इस हिस्से में आके ज़िंदगी में पहली बार मंडी जा रहा हूँ जी। असल में कभी ना शौक ही नहीं चढ़ा ना कि मंडी जाने का, वरना कराची में सीन ही होता था कि लड़के छः बार दिन में मंडी जा रहे होते थे। और मज़े की बात ये हुई कि हमारे दोस्त भी हमारी तरह के बेजार से थे, वो भी मंडी नहीं जाते थे। मतलब हद तो ये थी कि हमने मंडी के टुल्ले मारे हैं, लिटरली घर में ये बोला है कि यार मंडी जा रहे हैं, और हम सी व्यू चले गए या बीएमआ पार्क में बैठ गए, चिप्स वगैरह खा लिए। तो हम इतने बेजार लोग थे। फिर उसके बाद भाई मेरे पीछे पड़े रहते थे दोनों के, भाई मंडी चलो, मैं क्या नहीं यार दोस्तों के साथ जाओ। लेकिन अब हुआ ये कि भाई मेरे जो दोनों बेटे हैं वो पीछे पड़ गए थे कि माइट नहीं, मंडी तो जाना ही जाना है, कुछ भी करें। अब आपने ऑस्ट्रेलिया में बहुत इन्जॉय किया और हमें भी इन्जॉय करा। तो खैर हमने कहा चलें आपको आज दिखाते हैं इस्लामाबाद की सबसे बड़ी मंडी, तो चलें। इसके क्या मांग रहे हैं? 230 मांग रहे हैं इसके। कितने की भाई? 1.5 लाख हैं, 1.5 लाख रुपए की। किस नाम से भाई चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक हो गया। जी भाई मैंने सुना था वहाँ पे कराची में ना सीन ये होता है कि कैटल फार्म्स बने हुए होते हैं, तो यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है, यहाँ पे खाली मंडी है, बस पूरी मंडी है, जाए कोई फार्म वार्म का सेटअप नहीं है। ये भी नॉइस है भाई। ये सही है, बकरा सही है। ये, ये, ये। एक 45 उसके इसके। आओ यार हमसे भी करो बातें चार, ज़रा तुम्हारे साथ सिनेमेटिक्स ले रहा हूँ। ठीक है माइक, क्या मांग रहे हैं इनके? इसकी 320 मांग रहे हैं। भगाना चाहिए क्या? चाहिए। ये देखो भाई बोर हो रहा हूँ, भागने के मूड में लग रहा हूँ। मैड अभी ना तुम लोग को भी भागना होगा, बाबा से बात हो रही है, सामने वाली मंडी से बकरे उठा रहा हूँ। नहीं यार चलो बहुत हो गया। चलो और भाई लोग मुझसे टाइट वाली हटी हुई है कि जानवर भी नहीं दिलाया और जल्दी शॉट भी हो रहे हैं, लेकिन भाई पहली बार के लिहाज से 4 घंटे इनफ थे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस्लामाबाद की मंडी पसंद आई होगी। ये थी आज की कहानी। मेरा नाम है कुतैबा महमूद, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने नया पेज को सब्सक्राइब किया। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।